साथ ही साथ काफी इस क्षेत्र के लोगों का डायरेक्टर सर और मैम के पास भी फोन जाता रहा, एमडी सर के पास, एएमडी सीबीएसई के पास फोन जाता रहा कि सर बीएड आप लोगों ने स्टार्ट किया, बीटीसी कब स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए सर ने, मैं आप लोगों से अगर कुछ क्षमा कीजिएगा सर, हमारे एमडी सर बैठे हुए हैं, एएमडी सीबीएसई बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से बातें शेयर करूं कि इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने मान्यता के लिए आप स्वयं निकले हमारे साथ, हम लोग साथ में गए। आप चाहते तो कह सकते थे कि नहीं आप लोग देख लीजिए, लेकिन वो कहे कि नहीं हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं प्रिंसिपल साहब उनको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उनको दूर जाके वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा इसी क्षेत्र में उपलब्ध हो, और हमारे पास ऐसी मांग आ रही है। साथ में हम लोग गए तो जयपुर एनसीटीई से हमारे पास बीएड और बीटीसी दोनों की मान्यताएं प्राप्त हैं, और सुखद, सबसे सुखद पल और यह है कि चकियां परिक्षेत्र में होने के साथ साथ जनपद में सबसे पहले सर्वप्रथम यदि सीट बीएड और बीटीसी के किसी फुल की है तो यह स्वर्गीय रामविलास सिंह शिक्षण संस्था ने किया है। सीटें फुल होने के बाद भी लगभग 23 लोग ऐसे थे जिनका आवेदन अभी तक मेरे पास रखा हुआ है कि सर किसी तरह, सर के साथ बैठक हुई और सर ने कहा कि ऐसा है कि और लोगों की ये मांग है, उसमें हम लोगों ने सीट की बढ़ोतरी की है, और अब अगला सेशन जो आ रहा है उसमें हमारे पास 150 सीटें बीटीसी की हो जाएंगी, और बीएड के संदर्भ में सर से भी बात चल रही है कि सर उसको प्लीज, अगर रिक्वेस्ट है आपसे, अगर उसको भी बढ़ा सके तो बढ़ाएं, क्योंकि इस परिक्षेत्र में अब वो बात आ रही है कि नहीं बच्चे शस्त्र के साथ शास्त्र भी देखते हैं। एक आयोजन हमारे यहां किया गया वर्ल्ड फूड डे का, महाविद्यालय में वर्ल्ड फूड डे, आहार को संरक्षित करने के लिए, संपोषित करने के लिए संतुलित आहार क्या है ये युवा वर्ग को बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारी युवा साथी प्रियंका यादव जो होम साइंस डिपार्टमेंट की लेक्चरर हैं और डिपार्टमेंट वही देख रही हैं, उनके द्वारा एक बार ये रिक्वेस्ट आई, और उस रिक्वेस्ट को मैंने तत्काल एमडी साहब से बात कराई, एमडी साहब ने एमडी सर से कहा, और तुरंत इसका आयोजन कराया गया कि नहीं ये अच्छी चीज़ें हैं, इनमें बच्चों को आगे आना चाहिए। और होम साइंस डिपार्टमेंट इसी वर्ष हमारे यहाँ होम साइंस सब्जेक्ट और एजुकेशन, ये दो ऐसे विषय हैं जो हमारे यहाँ इसी वर्ष लिए गए, और इसी वर्ष हमारे पास 85 और 68 केवल एक सेक्शन में ये स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ दोनों सब्जेक्ट्स में। अभी तक जितनी बच्चे हमारे जिले स्तर पर, जनपद स्तर पर, और अब तो सीबीएसई में यदि बात करें तो राज्य स्तर पर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्लेस लेके आ रहे हैं। एक बात अभी मैंने कही बंधुओं कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान भी अब यहां होने लगा, और शस्त्र का ज्ञान इस तरीके से कि ऑल इंडिया में 5 बच्चे हमारे शूटिंग टीम से सेलेक्ट हुए हैं राइफल और पिस्टल से, जो कि अपने आप में काफी मायने रखता है। लुधियाना में ये 5 बच्चे जाएंगे और पूरा सरकारी खर्च पे ये वहां पे अपनी शूटिंग करेंगे। ये विश्वविद्यालय स्तर पे ऑल इंडिया इंटरनिवर्सिटी का आयोजन किया जाता है और वहां जाकर बच्चे अपना दमखम दिखाएंगे हमारे बच्चे। इसके लिए मैं चाहूंगा आप लोगों से, मेरे उन बच्चों के लिए एक ताली जरूर आप तो तरफ से हो जो ऑल इंडिया में स्थान अप रखेंगे। एसआरवीएस इज प्रेजेंट ऑन एट दैट टाइम इन ऑल इंडिया, अब प्रेजेंट करेगा एसआरवीएस ऑल इंडिया में। ऐसा ही सहयोग रहा हमारे एमडी सर का, एएमडी सर का, डायरेक्टर मैम का, पिताजी का, और यहां उपस्थित दो हमारे बड़े भाई अग्रज और हैं, उन सभी का। दूसरी चीज, जो 5 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए, राइफल क्लब में सिलेक्शन चल रहा था, वाराणसी राइफल क्लब में मैं गया था बच्चों को लेकर कि बच्चे रहेंगे, अगर मैं रहूंगा तो थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी बच्चों को, मैं गया था। उससे अच्छी बात यह है कि राइफल शूटिंग में हमारे यहां की बच्ची आकांक्षा सिंह ने
100 में से 84 मार्क्स लिए, 84 टारगेट उसके साउंड पे थे। आगे मैं बताना चाहूंगा डिग्री कॉलेज के संदर्भ में एनुअल एग्जामिनेशंस जो हमारे होते हैं वो पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जाती है। प्रेस और मीडिया के बंधुओं ने भी पिछले विगत वर्षों में हमारा साथ दिया, उन्होंने खुद छापा था कि ऑनलाइन हो रहा है शिक्षा का प्रसारण। अमर उजाला के बंधु यहां बैठे होंगे। एक प्रतियोगिता होती है BHU स्तर पे, जो जोनल स्तर पे होती है मैथमेटिक्स की, तो BHU में जाकर बच्चे हमारे अभी इसी 30 नवंबर को माधव मैथमेटिक्स प्रतियोगिता होती है जो ऑल ओवर इंडिया के स्तर पे होती है, और जोनल स्तर पे वो BHU में पहले होती है। जो बच्चा BHU से सेलेक्ट होता है वो ऑल इंडिया के लिए आगे बढ़ेगा। हमने उस प्रतियोगिता के लिए भी सर से बात AMD सर से की है। सर ने बोला है हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, बच्चे जैसे जा सकते हैं BHU में परीक्षा देने के लिए आप भेज सकते हैं। अभी तक ग्रेजुएशन स्तर पे हमारे यहाँ जो विषय रहे उनमें 2 विषय बढ़ाए गए। आगे MD सर की तरफ से आदेश है, निर्देश भी है कि MA स्तर पे जो अब मांग काफी हमारे यहाँ आ रही है कि परास्नातक स्तर पे विषयों का संचालन हो हमारे महाविद्यालय में, तो परास्नातक स्तर पे आपका निर्देश है 2 विषयों के, तो अगले वर्ष से 2 विषयों से परास्नातक भी हमारे महाविद्यालय में होगा। बंधुओं और यहां बैठे मेरे अग्रज, मेरे गणमान्य अध्यापक गण, अभिभावक गण, पत्रकार बंधु, मैं पुनः आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।